Hello everyone, welcome you all along to today's with Dr. Manoj Srivastav. Hope you all are fine and safe and using your time and money. फ्रेंड जैसा कि आजकल हम अपने चैनल पे ECCE के कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं तो आज जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है प्रोग्राम प्लानिंग फॉर ECCE कि जब हम ECCE की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लानिंग को किस तरीके से हम बिल्ड कर सकते हैं उसको आज के टॉपिक में हम जानते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली प्रोग्राम प्लानिंग यानी कि किसी कार्यक्रम को नियोजित करना या उसकी प्लान बनाने को होता क्या है किसे हम कहते हैं। द पर्पज ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग इज टू इम्प्रूव द वेज दैट वी वर्क विद चिल्ड्रन इन द डाइवर्स अर्ली चाइल्डहुड एरियाज। अर्ली चाइल्डहुड एरियाज में जब हम कोई काम करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और उसका एक तरीका है में जब हम इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसे हम प्लानिंग कह सकते हैं। To plan is to set goal, provide quality program to help children to learn and build up good. बच्चों को अच्छा और बेहतर ढंग से सिखाने के लिए कहीं ना कहीं इसका कार्यक्रम इसका नियोजन करते हैं और एक गोल सेट होता है उसको प्राप्त करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। शो मोर कंटेंट और बेहतर ढंग से चीज़ों को समझाने के लिए भी हम प्लानिंग करते हैं। इट गिव अस आइडियाज ऑफ मेनी मोर क्वेश्चन टू आंसर। बच्चों की जो भी क्वेरीज है उसको शांत करने के लिए भी कहीं ना कहीं हम प्लानिंग का सहारा लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्लानिंग है उसका एक साइकिल होता है, एक प्रक्रिया होती है जिस स्टेप्स पे होके वो प्लानिंग जो होती है वो गुजरती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ऑब्जर्विंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी कार्य हो रहे हैं उसको हम अवलोकन करेंगे और उससे हम जानकारी इकट्ठे करने की कोशिश करेंगे। एनालाइजिंग लर्निंग, जो भी बच्चा सीख रहा है उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। देन प्लानिंग हम करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे उसका क्रियान्वयन कैसा होता है और रिफ्लेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन पांचों स्टेप से होकर गुजरते हुए ही हम किसी प्रोग्राम की प्लानिंग को करते हैं। तो स्टूडेंट प्रोग्राम के साइकिल को जानने के बाद हम ये जान लेते हैं कि जो प्रोग्राम की प्लानिंग है वो कितने प्रकार की होती है। तो इट्स अ कॉमन टर्म जो कि हम यूज करते हैं। पहला है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, दूसरी है मीडियम टर्म प्लानिंग और तीसरी है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जैसा कि हमें इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होगी वो सालाना होगी, ईयरली प्लानिंग इसे हम कहते हैं, और जो मीडियम होगी वो मंथली और टर्म प्लानिंग इसे हम कह सकते हैं, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो होती है वो वीकली या डेली बेसिस पे होती है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग and types of program planning. तो ECCE जैसे कि हमें पता है इसकी क्वालिटीज हमें पता है। आई होप स्टूडेंट इसके जो हमने प्लानिंग के तरीके जाने हैं वो उससे हम इसको बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ सेम चैनल पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और फैमिली वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।